होम चेक और कल की स्ट्रेटजी पर आएंगे आ, हमारा पैनल तैयार तो है हमारे साथ गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए गुड इवनिंग टू वंस अगेन जो परसेंटेज स्टॉप मुझे वो है एनएमडीसी ट्रेल करेक्ट 228 पर बिकॉज़ 225 का स्टॉप लगा चले तो ऑन द अपसेट करीब टारगेट है 240 के नज़राते एनएमडीसी एनएमडीसी को आप पिक कर रहे हैं कल के लिए मानत साहब का क्या रहेगा कल के लिए, कल के लिए?

Uh, यहाँ पे जो होना चाहिए वो करीब होगा के आसपास। सेठ uh, uh, आप uh, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी जी मैं गेल करूंगा। गेल में अच्छा कासा में अच्छा मोमेंटम चार्ट्स चार्ट्स और डेली नजर आ रहे हैं। लगभग का प्राइस है। इसे ऑफ टारगेट राजेश ओके सॉरी माफ कीजिएगा राजेश जी माफ कीजिएगा देखिए मेरा ट्रेड रहेगा ओ पे मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे सर्ज आया है कल भी यहाँ पे एक मूव मिलेगा सो ओ एन जी जब आए थ्री थर्टी नाइन पे चल रहा है तो प्लस मेरे हिसाब से कल इवेंचुअली ये थ्री फोर्टी फोर्टी फोर का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जो क्लस्टर है ये निकलेगा और इन दैट केस मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट वो रहेगा कम से कम थ्री सिक्सटी तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिलेगा ओ में तो इट्स बाइन ओ एनजीसी Okay, तो फटाफट से जायजा भी ले, ले लेते हैं कि किन पर सबसे चर्चा इस समय हो रही है या तीन हमारे साथ जुड़ गए या तिर बताइए तो जहाँ तक की डीलिंग सवाल है सबकी नज़रें एम वाले जो अनाउंसमेंट पे हैं जो आज रात को लगभग तीन बजे के आसपास इंडियन टाइम पे पब्लिश होगी और एम में अगर हम कहें तो ऑब्वियसली नज़रें एच डी बैंक पर रहेंगी क्योंकि सबसे बड़ा इनफ्लो वहाँ आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है अगर आपको ख्याल है तो जो फ्री फ्लोट और जो हेडरूम एफ का वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है आपको एच बैंक में और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो फ्लो वाइज सबसे ज़्यादा फ्लो वहाँ आता हुआ नज़र पड़ेगा जहाँ तक कि दूसरे स्टॉक्स का सवाल है जो इस टाइम इंक्लूजन में आएंगे ग्लोबल इंडेक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिक्सन uh, टेक्नोलॉजीज़ है वोडाफोन आइडिया है एफ के बाद इनका भी बड़ा एक फ्लोट मार्केट uh, में आया है जिसके कारण एम में इनकी अब uh, शामिल होने के uh, कगार ज़्यादा हो गई है आर और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन सब स्टॉक्स पर भी नज़रें रहेंगी एक ही स्टॉक जो एक्लूजन में जा सकता है वो है बंधन फाइनेंशियल्स जहां लगभग 126 मिलियन डॉलर्स के आसपास का आउटफ्लो होगा लेकिन क्लियरली uh, जैसे कि मैंने पहले कहा तीन सवा तीन बिलियन डॉलर्स यानी uh, लगभग लगभग चौबीस पच्चीस हज़ार करोड़ की बाइंग आप एच बैंक में देख सकते हैं अगर वो डिसीजन आज एम ने ले लिया फ्री फ्लोट फैक्टर के चेंजेस होने के चलते ओके okay, तो ये तो हो गए एम से रिलेटेड स्टॉक्स लेकिन दो और स्टॉक्स भी होंगे आपके रेडार पर जी डीलिंग रूम्स में दो स्टॉक्स हैं सबसे पहले एक्साइड और डीलर्स यहाँ बी की सलाह दे रहे हैं 1515 1525 तक के टारगेट्स डीलर्स को लगते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने चाहिए इसके अलावा ग्लैनमार्क फार्मा भी आज डीलर्स के रेडार पर है जहाँ डीलर्स को लगता है यहाँ बी करनी चाहिए ओपन इंटरेस्ट तीन परसेंट ऊपर है फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा और यहाँ भी अगर हम ग्लेनमा फार्मा की बात करें तो पंद्रह तक के टारगेट्स डीलर्स रख रहे हैं डीलर्स की बात डीलर्स चेस कर रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे अभी काम करते हैं बात